मेरी पहले क्लासेस थी 10:30 से लेके 2:30 तक, देन आई हैड टू कम टू कोचिंग अगेन फॉर माई शाम वाली रेगुलर क्लासेस, ताकि वो भी बैकलॉग में ना चले जाए। तो हाँ, दिस इज़ द थिंग। अभी यहाँ पे फिजिक्स की हुई थी 2.5 घंटे की क्लास, तो हमने पूरा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन जो पार्ट छूट गया था वो कंप्लीट कर लिया है। एंड उसके बाद मेरी मम्मी मेरे को लेने आ गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी 2:30 बजे तक, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री की भी क्लास हुई थी एंड राइट नाउ आई वॉज वेटिंग फॉर हर। तो हाँ, उसके बाद आई वेंट होम फॉर लिटरली 1/2 आवर, 45 मिनट्स के लिए मैं घर गई। एंड उसके बाद अगेन मैं वापस तैयार होकर वापस कोचिंग आई हूँ टू स्टडी फॉर इवनिंग क्लासेस। तो हाँ, अभी हमारी सबसे पहले क्लास थी केमिस्ट्री की, तो हमने पहले वो पढ़ा। उसके बाद थी हमारी फिजिक्स की क्लास, तो फिजिक्स में वी वर मोस्टली सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड हमने एरर एनालिसिस वाले क्वेश्चंस करे। तो हाँ, उसके बाद आई केम होम एंड हैड माय मैंगो शेक जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था। एंड आज लिटरली मेरा आधे से ज़्यादा दिन, लिटरली 8 to 9 आवर्स मेरे कोचिंग में ही गए हैं एंड ऑलमोस्ट 10 आवर्स कह सकते हो तुम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। एक्स्ट्रा क्लासेस ने एक्स्ट्रा टाइम भी ले लिया, एक लिटरली थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, जितना टाइम बताया था। तो हाँ, उसके बाद वी वेंट टू द मार्केट टू बाय स्टफ फॉर नवरात्रि एंड आई हैड माय डिनर, जिसमें थे छोले कुलचे जो मम्मी ने बनाए थे एंड विच वर सो टेस्टी। एंड आफ्टर हैविंग दिस आई जस्ट स्लेप्ट, क्योंकि आई वॉज सो टायर्ड। तो दिस इज़ टुडे, आज है ट्यूजडे 9th of April। एंड आज सबसे पहले तो मैंने अपना शेल्फ सेटअप करा, क्योंकि जो जो नोटबुक्स वगैरह थी वो सब मैंने सेटअप करी स्कूल की ढंग से, लाइक उनको लगा दी, नहीं तो वो बिखरी पड़ी हुई थी पूरी टेबल पे, और प्रैक्टिकल फाइल्स भी, तो उन सबको मैंने अपनी शेल्फ में सेटअप कर लिया। ऑल द रफ नोटबुक्स जो मेरे को मैंने ली थी वो भी, एंड जो मोटी वाली रफ नोटबुक थी जिसका भी कुछ इतना कुछ काम नहीं है, एंड जो बुक्स जिनका भी कुछ काम नहीं है उनको मैंने भी यहाँ पे भी रख दिया है, क्योंकि ये रूम के दूसरी तरफ है तो इनका इतना कुछ काम नहीं होता है। तो आफ्टर दैट आई हैड माय लंच एंड उसके बाद आई वॉच सम नेटफ्लिक्स। आफ्टर दैट आई केम इनटू माय रूम टू ऑर्गेनाइज ऑल दिस स्टफ, क्योंकि मेरा बहुत सारा सामान मेरे टेबल पर पड़ा हुआ था एंड आई लिटरली डोंट नो मेरी स्किपिंग रोप मेरी टेबल पे क्या कर रही है, इसलिए मेरे पापा ने रख दी होगी। तो हाँ, मेरे को वो सब साफ करना है। दिस इज द शेल्फ, मैं अब मेरा शेल्फ ऐसे रख रहा हूँ, जो बेफालतू की बुक है फिजिकल एजुकेशन की वो वहाँ ऊपर रखी हुई है, बाकी सारा सामान मेरा एक उसमें आ गया स्कूल का जो भी है अभी तक का। एंड बाकी जो है मेरे कोचिंग के मॉड्यूल वगैरह उनको मैं अपने ढंग से करके शेल्फ में रख दूंगी, जो मेरे टेबल के ऊपर रखा हुआ है, बुक स्टैंड उसको कह सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे मैंने अपने सारी नोटबुक्स रख ली हैं एंड इन नोटबुक्स में मेरे को अभी लेबलिंग करनी है, अपना नाम वगैरह लिखना है। ये सारी है होमवर्क नोटबुक्स हैं मैथ्स की, केमिस्ट्री की एंड फिजिक्स की, ये भी अभी मेरे को दूसरी एक बनानी है। तो हाँ, ये सारी कोचिंग की होमवर्क नोटबुक्स हैं प्लस स्कूल वाली नोटबुक्स जो है मेरी यहाँ पे मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए वो रख दी हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव माई कोचिंग वाले मॉड्यूल्स, उसके बाद आई हैव कोचिंग की नोटबुक्स, केमिस्ट्री की NCERT, द क्वेश्चन बैंक्स फॉर स्कूल एग्जामिनेशन एंड लास्ट में मैंने HC वर्मा रख रखी है एंड बीच में मैंने जगह रख रखी है और भी बुक्स के लिए। एंड उसके बाद दिस इज़ माई डायरी, तो इसमें मैंने अपने टाइम टेबल नोट डाउन कर रखे हैं जो स्कूल का है, क्योंकि मेरे को वेडनेसडे से स्कूल जाना होगा एंड दिस इज़ द टाइम टेबल जो मैं फॉलो करना चाहती हूँ। तो हाँ, एंड ये जो सब टू डू लिस्ट है, लाइक द प्लान रफली जो जो मेरे को करना है, तो हाँ इन सब में से मोस्टली चीज़ें मैंने कर ली हैं, लाइक रीडिंग द मॉड्यूल, सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, NCERT वगैरह मैंने कर लिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस जो मेरे थोड़ी सी रहता है शीट्स वगैरह वो मेरे को कंप्लीट करनी है, तो आई विल डू दैट टुडे एंड उसके बाद में इस पूरा मेरा टिक हो जाएगा। मेरे को डिमेंशन जो है NCERT की उनको मेरे को एक बार गो थ्रू करना है वापस से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनको देखे हुए। तो बस हाँ, एंड जो द नेक्स्ट पेज पर जो टू डू लिस्ट है ये सारी मेरी हो गई, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली 5th of April की है तो ये हो ही चुकी है मेरी कंप्लीट सारी। तो हाँ, टू डू लिस्ट तो आजकल मेरी कंप्लीट हो जा रही है, बट अभी स्टिल मेरे पास टाइम नहीं है। एंड दिस इज़ द RD शर्मा, मैंने इसको हाल फिलहाल के लिए यहीं रखा है, बट आफ्टर सम टाइम अगर जगह नहीं होगी तो मैं इसको अपनी जो स्टडी टेबल की जो कबर्ड है उसमें रख दूंगी, ताकि मेरे को ये दिखती रहे एंड मेरा मतलब काम होता रहे, ऐसा ना हो कि ये बस पड़ी हुई है ऐसे खाली खाली। मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि ताकि स्कूल में भी अच्छे नंबर आएँ। एंड दिस इज़ द शीट जो इसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो ये सेट की शीट है, जो सेट्स चैप्टर है उसकी शीट है ये। एंड इसमें लाइक कुछ 88 कुछ क्वेश्चंस है, 81 to 88 आई गेस। तो हाँ, ये मेरे को पूरी सॉल्व करनी है, लाइक जो जो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने कोचिंग में सॉल्व कर लिए थे एंड जो बाकी के होमवर्क क्वेश्चन है जो मार्क थे वो करने हैं। दीज आर द MCQs, बट इनमें भी दिमाग उतना ही लग रहा है जितना लाइक नॉर्मल सब्जेक्ट क्वेश्चन में लगता है। तो राइट
राइट नाउ आई एम सबसे पहले राइटिंग द नेम ऑन माई नोटबुक्स, नेम, सब्जेक्ट, क्लास वगैरह, ये सब अपने नोटबुक्स पे लिख रही हूँ. एंड ये करना मेरे को लिटरली बहुत पसंद है क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब करने, क्योंकि नया सेशन है, नई नोटबुक्स, ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है करने में. तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये काम करा ताकि मेरे को थोड़ा स्कूल का काम करने की मोटिवेशन मिले, थोड़ा रिटर्न वर्क कंप्लीट करने की. तो हाँ, आई डिड दिस एंड उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद माई फिजिक्स का वर्क. तो वर्क स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़े सॉन्ग्स लगा लिए हैं ताकि मेरे को लाइक ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो काम करते हुए, रिटर्न वर्क करते हुए, फटाफट कंप्लीट हो जाए, पता भी ना चले, लाइक ज़्यादा बोरियत भी ना हो. तो हाँ, मैंने पहले वो करा, देन आई स्टार्टेड ऑफ विद फिजिक्स का वर्क एज आई हैव टोल्ड यू. एंड मेरे को यहाँ पर यूनिट्स एंड डायमेंशन का वर्क कंप्लीट करना है. मेरा रिटर्न वर्क बहुत सारा पड़ा हुआ है तो उनमें से एक ये भी है. तो यहाँ पर आई वॉज फोकसिंग ऑन माई हैंड राइटिंग भी थोड़ा बहुत, क्योंकि हैंड राइटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ताकि टीचर को समझ में आ जाए क्या लिखें. तो सब लिख के चले जाते हैं, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इन माई नोटबुक एज वेल. तो हाँ, थोड़ा धीरे धीरे लिख रही थी मैं. एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मेरे को काम भेजा हुआ था व्हाट्सएप पे, उसने पूरे हफ्ते का काम भेजा था मेरे को. तो मैंने पहले सारा काम अपना कंप्लीट करा फिजिक्स का, लाइक मेरे को बहुत टाइम लग गया उसको कंप्लीट करने में क्योंकि मेरे पास काम ही इतना सारा था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से स्कूल नहीं गई हूँ, पूरे हफ्ते नहीं कह सकती, एक आध दिन मैं गई थी, एक दिन गई थी बस, हाँ उसके बाद मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे से बहुत हेक्टिक हो गया था. तो दैट इज़ वाई आई कुडेंट गो. एंड यहाँ पे मैं वही वर्क कंप्लीट कर रही हूँ. एंड मेरे को सबसे पहले तो डेफिनेशन वगैरह लिखनी थी एंड आई हैड टू मेक श्योर कि ढंग से लाइक हो रखा हो ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से. एंड द थिंग इज़ कि मेरे स्कूल में 75% वाली अटेंडेंस का रूल है, तो वी हैव टू टॉक टू द टीचर कि प्लीज़ हमें अलाउ कर दें वो हफ्ते में 2 या 3 दिन आने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ड्यू टू कोचिंग एंड ऑल. हमें वो बात करनी है. आई कंप्लीटेड दिस वर्क एंड उसके बाद आई हैड माई डिनर, आई हैड माई लंच, आई हैड दिस स्टफ्ड परांठा विथ सम फ्राइड राइस क्योंकि आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग लाइट, क्योंकि मेरी अभी कोचिंग भी है. तो हाँ, सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट. बाय.